सर नवीन जी ने के एक बात का मैं जवाब दे दूं। नवीन जी, हमने मुख्यमंत्री से अनुदेशकों के लिए संबंध को खराब किया है। हम लोग संबंध बनाने का कार्य सिर्फ अनुदेशकों के लिए करते हैं सर। हम लोग किसी नेता के पास जाते हैं तो संबंध बनाने का कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि ईमानदारी से अनुदेशक संघ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहां भी जाते हैं पूरी दमदारी से सर, चाहे कोई भी नेता हो, उससे अपने 27,000 अनुदेशक परिवार की बात करते हैं सर। और 30 वर्षों से अनुभव था इस सरकार में, मैं भी था, लेकिन 3 सालों से अब इस सरकार से हमारा कोई संबंध नहीं है, और एक ही है कि अनुदेशकों की लड़ाई लड़ रहा हूं सर। जी सर, तो सर बात आ रही थी अनुदेशकों की। भारत प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं कि भारत विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था है। मुख्यमंत्री जी जब भाषण देते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत की पहली अर्थव्यवस्था है, और इसी भारत की अर्थव्यवस्था में और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आज उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को जून का मानदेय नहीं मिला है। जो 15 दिन का जून का मानदेय मिलना था, वो भी आज तक नहीं मिला है। और वो देश दावा करता, वो राज्य दावा करता कि हम अर्थव्यवस्था में कहाँ है, तो सिर्फ एक ख्याली पुलाव है सर। और आज उत्तर प्रदेश के अनुदेशक फोन आते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है विद्यालय जाने के लिए, गाड़ी में कैसे पेट्रोल डलवाऊं। आज 17 जुलाई हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, जो दावे तो बड़ी बड़ी करती है, दावे सिर्फ इनके दावे हैं, और वो कहाँ है, विज्ञापन में है, भाषणों में है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है सर। और कोसों दूर नहीं होता तो आज उत्तर प्रदेश का अनुदेशक तिल तिल कर नहीं मरता। आज उत्तर प्रदेश के परिवार, आज ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ईडी और सीबीआई की छापा डालते हैं, मैं तो कहता हूं किसी अनुदेशक के परिवार में भी मोदी जी ईडी को भेज दीजिए, सीबीआई को भेज दीजिए, और देखिए वो किस प्रकार से अपना परिवार चलाने का कार्य करता है। लेकिन, और आपको सब जानकारी है, ऐसा नहीं है, मोदी जी को भी सारी जानकारी है, योगी जी जब मुख्यमंत्री नहीं थे उससे पहले अनुदेशकों की दुर्दशा जानते थे। लेकिन वही है, जब सत्ता प्राप्त कर लेते हैं लोग, और वो कहावत है ना कि नदी के घाट पे यदि सियासी लोग बस जाए, ए प्यासे ओट एक-एक बूंद पानी को तरस जाए, और गनीमत है कि मौसम पे इनका हुकूमत नहीं, बादल के सारे पानी इनके खेतों को बरस जाए। स्थिति असर यह है, उत्तर प्रदेश के राजनाथ सिंह जी से अभी मिलने की बात हो रही थी, हमें याद है 3 अप्रैल 2016 लखनऊ का झूलेलाल मैदान, राजनाथ सिंह जी मंच से भाषण दे रहे थे कि उत्तर सरकार के पास कुबेर का खजाना होता है। बता रहे थे कि मैं भी मंत्री था, मैं भी मुख्यमंत्री रह चुका हूँ, सरकार के पास कुबेर का होता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे उस समय कह रहे थे, अब रक्षा मंत्री हो गए तो इस सरकार किस पे बात करे? उत्तर प्रदेश के अनुदेशक, उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र किस पे भरोसा करे? जब 19 मई 2017 को भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से योगी जी का फोटो लगाकर आता है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के अच्छे दिन आ गए, और इनके प्रस्ताव को भारत सरकार ने इनके मानदेय को 17,000 कर दिया। जब वो चीज नहीं होती, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में तत्कालीन अनुपमा जायसवाल जी बेसिक शिक्षा मंत्री थी, विधानसभा में, जबकि हम लोग जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लोग बताया करते हैं कि विधानसभा में कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है, लेकिन इस सरकार में विधानसभा में भी कही जाती है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 9,800 रुपया मिल रहा, मतलब कितना झूठ। और पेपर में भाजपा का विज्ञापन आता है कि उत्तर कितने परिवार में तो बहस इस बात की होती है कि तुम 17,000 पाते हो, तुम झूठ बोलते हो। कई पति अपनी पत्नी को कहते
कई तलाक की नौबत आ गई इसीलिए कि तुम 6 सालों से सिर्फ झूठ बोल रही हो, तुम झूठ बोलते हो, तुम 17,000 पा रहे हो। क्यों? क्योंकि पेपर में सरकार के विज्ञापन आते हैं। आज हम आप इस विभाग में नहीं रहते, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, यदि आज हम इस विभाग में नहीं रहते तो जिस प्रकार सरकार ने पेपर में विज्ञापन के माध्यम से बड़े बड़े सार्वजनिक मंचों पे, हमें याद है 1 जून 2018 को माननीय मुख्यमंत्री जी इटावा में रैली कर रहे थे और सार्वजनिक मंचों पे कहा कि हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने जा रहे हैं। फिर 2 दिन बाद 3 जून 2018 को भदोही की रैली में पहुंचते हैं, वहां भी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाने जा रहे हैं। फिर 1.5 महीना बाद 23 जुलाई को हाथरस पहुंचते हैं, वहां भी सार्वजनिक मंचों पे कहते हैं। तो जब ट्विटर पे कही हुई बात सही नहीं होती, विधानसभा में कही हुई बात सही नहीं होती, सार्वजनिक मंचों पे 3-3 बार कही हुई बात सही नहीं होती, और बनारस की रैली में मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है, जब उनकी बात सही नहीं होती तो किसकी बात पे भरोसा करेंगे? राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी की क्या हैसियत है इस सरकार में? किसी से कोई छुपा नहीं है, और इस सरकार में तो वन मैन आर्मी है। मैं पूरी जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूं, वन मैन आर्मी। वहां मोदी जी जो चाहेंगे वो होगा और यहाँ योगी जी जो चाहेंगे वो होगा, बाकी का कोई मतलब नहीं। सब अपनी डपली अपनी राग है, कहीं किसी का इस सरकार में, मैं तो मिला था परियोजना में गया था 8 फरवरी को, कहा कि उत्तर प्रदेश का अनुदेशक और उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र सरकार के एजेंडे में नहीं है, साफ साफ उन्होंने कहा। फिर कैसे भरोसा करूं, किस पे भरोसा करूं? तो ये सरकार भरोसे लायक नहीं है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे आस है, सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था है, उस पे हम लोग टकटकी लगाए हैं, मेहनत कर रहे हैं, वहां से जीत के आएंगे और अनुदेशकों का भला होगा। जी सर।